पेट्रोल व डीजल सहित घरेलू गैस व खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर रुद्रपुर में कांग्रेसियों ने केंद्रीय आह्वान पर डीडी चौक सहित भारत पेट्रोल पंप पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सांकेतिक धरना दिया। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में व केंद्रीय पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर आज दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। इस दौरान पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तिलक राज बेहड़ ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जाना चाहेंगे, आज आप धरना दे रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर देश में, उस बारे में आपका क्या कहना है? देश के अंदर महंगाई है, आप भी महंगाई को झेल रहे हो, सब झेल रहे हैं, पूरा देश झेल रहा है महंगाई को। आम गरीब आदमी का जीना दुर्बर हो गया, सामान्य आदमी का डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर दाल सब्जी हर चीज़ महंगी हो गई है इस देश में। मोदी जी कहा करते थे मैं आऊँगा तो सस्ती हो जाएगी, मोदी जी ने कहा कि नहीं मैं आऊँगा तो और महंगी हो जाएगी। मोदी जी ने महंगाई को बढ़ा दिया देश के अंदर। आज उसके विरोध में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस ने तय किया है कि कार्यकर्ता सारे विरोध करेंगे और धरने और प्रदर्शनों पर बैठेंगे, और हम लोग बैठे हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ एम सलीम खान के साथ धर्मपाल सिंह की रिपोर्ट, उत्तराखंड।